हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। टाइम हो रहा है 8:30। तो अभी बाकी सब तो नीचे चले गए हैं, मैं थोड़ा लेट उठा हूँ इसलिए मैं इधर रह गया। तो अब मैं फटाफट नहाऊँगा धोऊँगा, फिर चलते सचखंड गुरुद्वारे। पहले लंगर साहब में जाके चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो अभी तो रेडी नहीं हुआ हूँ, अब जाता हूँ मैं फटाफट, फ्रेश होता हूँ, फिर आपको फ्रेश होके मिलता हूँ। गाइस बाहर तो आ गए, अब जाएंगे पहले मत्था टेकेंगे लंगर साहब में, फिर जोड़े फिर हाँ पहले मत्था टेक के फिर कुछ खा के फिर आएंगे आगे, फिर देखते आगे कहाँ जाना है, फिर आपको फिर बताता। पहले चलते हैं अंदर। लंगर सबसे मत्था टेक के तो आ गए गाइस, अभी जा रहे हैं सचखंड गुरुद्वारे। मैं और ये छोटू जा रहा हूँ मेरे साथ में। काकू हाय कर दे। हम दोनों जा रहे हैं और बाकी के देखो पीछे पीछे आ रहे हैं, उन लोग अभी पीछे, हम दोनों जा रहे हैं आगे आगे। फिर अब चलते आगे मार्केट भी, आपको डे में दिखाता हूँ कैसा दिखता है, और आगे सचखंड गुरुद्वारा साहिब भी आपको दिखाते हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ, और अभी जो मार्केट है ना 9:30 हो रहा है, पर अभी तक शॉप्स खुली नहीं है, सब शॉप बंद है। देख सकते हो मेरे पीछे ये भी सब जो शॉप वगैरह अभी तक बंद है, ओपन नहीं हुई है। अभी पता नहीं टाइमिंग कब ओपन होगी कब नहीं। तभी तो जा रहे सचखंड साहब गुरुद्वारे मत्था टेकने, तो देखते हैं आने के टाइम पे खुलती है कि नहीं खुलती है। तब चलते हैं, वैसे मार्केट दिखाना था पर अभी तक खुला नहीं, तो आपको भी दिखाऊँ क्या मैं मार्केट, इसलिए जब शाम को फिर आ तो मत्था टेका तब दिखाऊंगा, तो जब आने के टाइम अगर खुला होगा ना तो तब मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है गुरुद्वारा साहिब, और ये जो मेन गेट है एंट्रेंस का, जो आने का गेट है, ये वाला गेट है। यहाँ से सामने एकदम फ्रंट साइड पे ये गुरुद्वारा साहिब, अभी जाते हैं अंदर, ये मत्था टेकते हैं, और आपको अंदर से पता नहीं मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने मिलेगी कि नहीं। अगर मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं मिलेगी तो अंदर में नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, जैसा भी रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। Vaage Guru, Vaage Guru, Vaage Guru.
तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु, तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के यहाँ से तो बाहर आ गए, अब चले लंगर छकने। जो लंगर साहब है यहाँ का, ये देखिए इधर पे, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर है लंगर साहब। तो अब जाते हैं अंदर लंगर छकने। आँख मेरी अच्छे से खुल नहीं रही क्योंकि ना धूप काफ़ी है, धूप बहुत लग रही है। तब चलते हैं लंगर छकने अंदर, फिर आपको अंदर दिखाता हूँ। और एक बात गाइस, यहाँ के ना मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, अभी शाम में इवनिंग में भी आऊँगा ना, तो इवनिंग में भी ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर ना जगह जगह पे आप देखो दिखाता हूँ कुछ बैनर लगे हुए, देख लीजिए आप भी। ये देखिए हर जगह पे लिखा है कि मतलब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं अंदर। फिर भी मैं थोड़ा बहुत निकाल रहा हूँ, पर ज़्यादा मैं अंदर नहीं बना पाऊँगा, तो जितना मेरे से होगा ना मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अंदर से। गाइस अभी लंगर छक के मत्था टेक के तो बाहर आ गए, शाम को फिर से आएंगे, फिर से बताऊंगा कि ये तो दिन में था, अभी रश भी ज़्यादा नहीं थे, शाम को भी दिखाऊंगा कि शाम को कैसा, इवनिंग में मतलब धूप कम हो जाएगी तो लोग ज़्यादा बाहर आएंगे, फिर शाम को भी आऊंगा तब दिखाऊंगा। अभी देखो सब लोग आ गए जोड़े पहन के, अब जा रहे अभी रूम में वापस, तब देखते शाम को वापस प्लान बनता आने का, तो फिर शाम को मिलता मैं आपको। हाँ जी गुड इवनिंग जी, तभी डायरेक्ट रूम में आ गए थे, अब जा रहा हूँ मैं वापस नीचे, चाय पीने जा रहा हूँ लंगर साहब में। वहाँ से जाने के बाद वापस फिर जो सचखंड गुरुद्वारा है ना, शाम को फिर वहाँ पर जाने का है। उधर पे हो रहे 6:30 को शायद बाबा जी ने नीचे मिलने बुलाया है, तो वहाँ पे पहले जाएंगे, फिर आगे सचखंड गुरुद्वारा जाएंगे। और भी एक दो गुरुद्वारे हैं यहाँ पर और मतलब लोकल, मतलब थोड़ा आसपास में, तो देखेंगे वहाँ पर भी जाएंगे। तो अभी चलते हैं नीचे, फिर आपको नीचे मिलता हूँ। यार 6:30 को सबको बुलाया था नीचे, पर अभी तो लोग रूम में लगता है, मेरे जो साथ वाले संगत है, मम्मी डैडी मेरे सब लोग लगता है तैयार ही नहीं हुए अभी तक, तो फिर से जाना पड़ेगा ऊपर, अब फिर से आना पड़ेगा नीचे, तो फिर से चलते रूम में पूछते तैयार हुए कि नहीं हुए। यार एक तो ना लिफ्ट बंद है, तो लिफ्ट का चल रहा है काम, तो 6th फ्लोर पर रूम में अपना, तो ऊपर नीचे करते करते साला हालत डाउन हो जा रही है, तो फिर चढ़ ऊपर जा रहा हूँ, फिर चढ़ के नीचे आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं चल दे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है गागर मार्ग, तो जिन्हें भी अपने सिख प्राप्त है ना उन्होंने तो पता रहूगा, इत्थों दी जो सवेरे गागर पर के लेके जाते हैं श्री सचखंड दरबार से, इत्थों दी आ रास्ता जाता वा गुरुद्वारा लंगर साहब जो बैक साइड का एरिया वा, और देख सो पीछे लंगर साहब का गुरुद्वारा साहब आ, उत्थों दी पीछे साइड है गागर।
ये देखो आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरी ये गोदावरी नदी है, गागर मार्ग है, और ये जो पीछे जो पूरी जा रही है ना, ये वहाँ से आप देख सकते हो कहाँ से दूर से पूरी गोदावरी नदी है। और पीछे जो है एक गुरुद्वारा साहबा। इधर का भी जो सीन है ना बहुत मस्त सीन है, तो पूरी एक तरह से शांति है। ऊपर से अभी जो शाम का टाइम है तो सामने से जो सनलाइट आ रही है ना, तो बहुत मस्त फोटोज वगैरह भी आ रही है, तो बहुत मस्त लग रहा है। इधर पे भी पूरा एकदम शांति है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, जो गागर मार्ग है, जो उसके जस्ट साइड में यह है नगीना घाट गुरुद्वारा साहब। ये भी लंगर साहब जो पीछे साइड है क्या अपना, देखो हमारा जो रूम है ना वो इधर है, इधर का ये देखो, यहाँ से यही जो नगीना घाट गुरुद्वारा साहब है ना ये दिखता है, ये देखो। तो अभी चल दे अंदर, चलो होने दे अंदर जान दे, पहले जोड़े जमा करा लिए। हम चलते अंदर, मैं बैक कैमरे तक दिखाता हूँ। वाहे गुरु, 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 तो बाहर आ गए गुरुद्वारे साहब दे। इथे दूजा गेट इथे एक पीछे रहूगा और एक उस साइड में रहेगा गेट। ये जो पीछे जो पूरा व्यू है ना गुरुद्वारा साहब से, पूरा जो मतलब ये दो गोदावरी नदी का जो पूरा व्यू है पूरा ये दिखता है, आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखिए एक ये जो बैक साइड वाला जो गेट है गुरुद्वारा साहब का, यहाँ पर है, कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। और यही गुरुद्वारा साहब के ना, ये जो नीचे साहब देख सकते हो ये सरोवर है, अभी खाली है, अभी भरा नहीं है, ये नीचे सरोवर है पूरा।
जी, तो अभी पूरी देख सकते हो रात हो चुकी है और अब जो है पूरी मतलब संगत जो है ना ज़्यादा आगे, मतलब जैसा ठंडा हो गया है ना तो अब संगत निकली है देखो अब। अच्छा क्योंकि जो शाम का टाइम पे ना तब रौनक मेला ज़्यादा लगा रहता है तो हम लोग को भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। देखो पीछे डैडी गए और भी दो तीन शॉप में दो बाबा जी की फ़ोटो भी ली है। थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करके सटकन साहब मथा टेक के फिर कल का मेन प्लान है कि कर्नाटका जाने का, बिदर नानक चीरा गुरुद्वारे जो भी है। मैं पक्का भी कुछ अच्छे से पता नहीं है, मैं पूछ के आपको कन्फर्म कर का प्लान भी बताता हूँ। अभी देखते जाते हैं सचखंड साहब गुरुद्वारे, आपको मैंने दिन में तो देख के जाके दिखाया था, अब चलते हैं शाम में देखते हैं इवनिंग में कैसा लगता है, थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह वो कर ले फिर चलते आगे। बर्गर खा रहे हो? हाँ, मन कितना हुआ बर्गर? अच्छा ठीक यार, परेशानी हो गया यार, कब से बैठा हूँ, इन लोगों की कभी शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होती है, कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर चले जाते हैं, इतने टाइम में बंदा 10 बार जाके आ सकता है पता है। चलो तो अभी क्या कर सकते हैं, रुकना तो पड़ेगा ही, तो रुकते हैं अब जब तक इनकी शॉपिंग नहीं ख़त्म होती है, देखते हैं कब तक आते हैं। गाइस मैंने बोला था ना कि शाम को गर्दी बढ़ जाएगी, ये देखो मेरे पीछे कितना रौनक मेला लगा है। जैसे शाम हो गई ठंडा हो गया अभी बहुत लोग आ गए, बहुत संगत आ गई है, तब चलते अंदर आपको दिखाता हूँ। शाम को बहुत खूबसूरत दिख रहा है गुरुद्वारा साहब, आपको दिखाता हूँ आगे से। तो ये वीडियो को एंड करते यहीं पर कि दिन ख़त्म हो गया। आज वैसे ज़्यादा दूर कहीं गए नहीं घूमने, 2 से 3 गुरुद्वारा साहब ही गए थे घूमने। अभी कल सुबह 5:30 को नीचे मिलना है, फिर वहाँ से जाने वाले कर्नाटका बिदर नानक चीरा गुरुद्वारा साहब, वहाँ पर जाने वाले कल, तो जल्दी सोना पड़ेगा जल्दी उठना पड़ेगा। अभी जाऊँगा मैं, पहले एडिटिंग करूँगा वीडियो, फिर उसके बाद सुबह पोस्ट करने की कोशिश कर दूँगा, क्योंकि मैंने आज की जो भी ब्लॉग इसके पहले का होगा वो मैंने 8:30 को पोस्ट किया था और वो जाके पोस्ट हुआ है रात के 8:30 बजे, मतलब नेट ना बहुत बेकार चल रहा है यहाँ पर, तो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं ब्लॉग। बाकी आप जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ, बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।